शहर के यातायात को बाधित करने वाले बेतरतीबी से ठेलों पर व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित करने निगम सभागार में भिलाई के व्यापारियों के साथ निगम आयुक्त एवं महापौर ने चर्चा की और इन्हें व्यवस्थित करने एवं वेंडिंग व नॉन वेंडिंग जोन को सुनिश्चित कर शहर के यातायात व्यवस्था को सुधारने बैठक आहूत की गई। भिलाई शहर में वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन बनाने निगम सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें महापौर नीरज पाल सहित कार्यशाला में उपस्थित व्यापारियों ने अपने सुझाव दिए। शहर भर के पथ विक्रेताओं के ठेले गुमटियों को व्यवस्थित किया जाएगा, साथ ही स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र भी निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा। वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन बनाने से शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव से भी निजात मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावनाओं में भी कमी आएगी। भिलाई महापौर नीरज पाल एवं विधायक देवेंद्र यादव ने इस पहल की काफी सराहना की है और कहा है कि निगम के इस कार्य से शहर सुव्यवस्थित नजर आएगा। देखिए, वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन जो है वो भिलाई शहर में बनने हैं, जिसके लिए माननीय महापौर जी और माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में कार्यशाला संपन्न हुई थी और इसमें नगर प्रशासन विक्रय समिति जो है, नगर विक्रय समिति, इनका जो कमेटी है वो सभी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा व्यापारी संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स के थे, पुलिस विभाग से थे, तो इस प्रकार से जो तमाम इससे जुड़े हुए लोग हैं वो सभी बैठक में मौजूद रहे। और वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में यह इसलिए कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो वेंडिंग जोन है, अभी देख रहे हैं शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसकी इनके व्यवस्थापन की चिंता भी नगर पालिका निगम भिलाई को है और इसके तहत में कैसे हम इनको व्यवस्थित कर पाएंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, दिन ब दिन फ्लाईओवर बनने से बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो जी रोड के किनारे पर आ गई है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक वेंडिंग जोन की जो अवधारणा थी उसकी आवश्यकता को देखते हुए जो है यातायात ताकि दबाव कम किया जा सके, इन सभी बातों को लेकर के कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर महोदय, माननीय मासी सदस्य लोग जो है वो उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, व्यापारीगण ने सुझाव दिए कि वेंडिंग जोन कहाँ होना चाहिए, कैसे हम सर व्यवस्थित कर पाएंगे, नॉन वेंडिंग जोन जो है वो कहाँ रखा जाए। तो इस प्रकार के जो प्राइमरी सुझाव थे जो कार्यशाला में वो बहुत अच्छे से है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वेंडिंग जोन बन जाएगा तो शहर में जो पथ विक्रेताएँ हैं, 14,000 हमने LOC इसके लिए जारी किया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमसे कनेक्टिविटी हो जाएंगे। इनको पहचान प्रमाण पत्र भी नगर पालिका एवं भिलाई के तरफ से दिया जाएगा, इससे लगेगा कि हाँ ये व्यवसाय करते हैं, इनका ये नाम है, एक आइडेंटिफिकेशन उनको मिल जाएगा, खुलकर जो है अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। दूसरा जो साइज होगा वो इनकी ठेले की साइज क्या होगी, गुमटी क्या साइज होगी, ये सभी बातों को लेकर जो है पूरा विस्तृत कार्यशाला में सभी को अवगत कराए गए हैं। जो नगर विक्रय समिति है और जो इनके मेंबर हैं, महापौर जी की जो टीम है, ये सभी लोग जो हैं सब मिल करके ग्राउंड फील्ड में जा करके इनका अवलोकन करेंगे, अवलोकन करने के पश्चात में ही जो है वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन के लिए जो भी स्थल डिसाइड होंगे उसके हिसाब से काम किया जाएगा। और महापौर जी ने भी कहा था कि जो छोटे छोटे जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं तो उनके साथ मिलकर भी चर्चा करनी चाहिए, इस पर गंभीरतापूर्वक जो काम है वो करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो चर्चा होगी तो उनके स्थल बताए हुए वो डिसाइड कर। वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन बनाने के लिए इसके पूर्व भी निगम प्रशासन द्वारा काफी प्रयास किया गया, परंतु शहर में अव्यवस्थित ठेले लगाकर व्यवसाय करने वालों को व्यवस्थित नहीं किया जा सका। एक बार पुनः इस प्रयास को करने निगम ने रुचि दिखाई है, देखना होगा कि यह प्रयास इस बार सफल हो पाता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।